साल 2024 में होने वाली शिवरात्रि बेहद ही खास और लाभकारी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2024 में शिवरात्रि 3 दिन तक रहेगी। पंडित श्रीधर शास्त्री के अनुसार सावन में त्रयोदशी तिथि इस बार अंग्रेजी कैलेंडर की 3 तारीखों में पड़ेगी, इसलिए भगवान शिव को 1, 2 और 3 अगस्त को गंगा जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप भगवान शिव को 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख में गंगा जल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ भगवान शिव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को और क्या कुछ बताया है, सुनिए। हरिद्वार में प्रतिवर्ष कांवड़िए जल लेकर जाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए जहाँ पर भी उनके नज़दीक शिवलिंग हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, 6 सिद्धपीठ मंदिर भी हैं, वहाँ पर अपनी इच्छानुसार जल चढ़ा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अब की बार सन 2024 में जो ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और कांवड़ी आ रहे हैं, तो जो त्रयोदशी तिथि है 2 तारीख को है, तो अब की बार जो जल चढ़ेगा, वैसे तो त्रयोदशी जो की तिथि है उस दिन आर्द्रा नक्षत्र में है और 2 तारीख को ये मुहूर्त है। इसके अतिरिक्त और जो विशेष बात क्या है, इस दिन जो 3 दिन का मुहूर्त है जल चढ़ाने का, जो कि मुहूर्त 1 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा और वो मुहूर्त जो है 1, 2, 3, तो तीनों दिन इनका अलग अलग समय का मुहूर्त है और सभी जो कांवड़िए हैं सोच समझ करके उसी मुहूर्त में यदि जल चढ़ाते हैं तो उनका जो मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी मन में अपने कोई भी बात सोच रखी है कि भाई विवाह हो जाए या कोई माता पिता बीमार है वो ठीक हो जाए या कोई भी मनोकामना रुकी हुई है, वह तभी पूरी होगी यदि हम शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक करेंगे भगवान शंकर जी को। 1 तारीख है जो 1 तारीख को 3:55 सायंकाल से 7:56 सायंकाल तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार 2 तारीख को प्रातः 12 बजे के बाद से प्रातः 9:35 तक जलाभिषेक शिवलिंग पर किया जा सकता है, जो कि शुभ मुहूर्त है, और उसी दिन सायंकाल के समय 4:02 से 7:50 सायंकाल तक जलाभिषेक कर सकेंगे। 3 तारीख को सुबह 12 बजे से अर्थात 12 बजे AM से लेकर के प्रातः 9:30 तक जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त है। और एक खुशी की बात यह है, इन तीनों दिन में जो भी अपनी इच्छा के अनुसार जब भी उनको कांवड़ियों को समय मिलता है और उनका समय अनुकूल होता है, इन मुहूर्तों में ही जलाभिषेक करें तो एक बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा।